26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान भागलपुर के 5 जिलों में है। आज शाम से दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। भागलपुर में एनडीए के जदयू प्रत्याशी अजय मंडल के लगातार बड़े नेताओं ने रोड शो किए, आम सभा को संबोधित किया। इसी बाबत आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने एक दिवसीय लोकसभा चुनावी यात्रा पर एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर देश को विकसित और विकासशील बनाना है तो एनडीए की सरकार को लाना है। अजय मंडल को भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाए जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत हो, वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने और देश तेजी से विकसित विकासशील और विश्वगुरु बने। वहीं विशाल जनसभा में जदयू प्रत्याशी अजय मंडल ने जनता से वादा करते हुए कहा कि मैं पार्टी का एक पोस्टमैन हूं, जनता की सारी बातों को ऊपर तक पहुंचाऊंगा और जमीनी स्तर पर उसे लाने का काम करूंगा। वहीं जनसभा में आए महिलाओं की भीड़ ने एक सुर में अजय मंडल को जिताकर नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाओं पर विशेष कार्य किए हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी उसके मिसेस गांधी के पोते के साथ बैठकर के गपशप मार रहे हो और घर में मटन बनाना सिखा रहे हो। मटन बनाना, ये दोस्ती, ये हालचाल, ये रवैया। अरे गंगा में बहुत पानी बह गया भाई, कौन कौन दोस्त हो गए, क्या क्या दोस्ती हो गई, कैसी कैसी दोस्ती हो गई। जिन लोगों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए और आखिर भ्रष्टाचार में डूब गए और फिर भ्रष्टाचारियों के साथ दोस्ती हो गई। इतना बदलाव आ गया, बताइए ऐसे लोगों को आने देना है क्या? बिहार की धरती ऐसे लोगों को आगे आने देगी क्या? आने देगी क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, मैं बहनों से सुनना चाहता हूं, आने देगी क्या? मित्रों, ये समय की आवाज है, ये बिहार प्रदेश के विकास की आवाज है, ये समय का तकाजा है कि 26 तारीख को आपकी उंगली ने कमाल करना है और तीर पर बटन दबाकर अजय मंडल को दिल्ली भेजना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए आपको काम करना है। बोलिए आप करेंगे ना? करेंगे ना? चुनाव जिताएंगे ना? मैं आश्वस्त होकर जाऊं कि भागलपुर की सीट एनडीए की सीट है, आश्वस्त होकर जाऊं कि बिहार में जिस तरह देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाकर, वैसे तो कानून लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने बनाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, लेकिन कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं रही थी क्योंकि वही भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब देश में मोदी सरकार की गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। हम लोगों ने भी कानून बनाया है जो भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराध करेगा, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो। एकदम भागलपुर के लोगों को स्वस्थ करता हूँ, या तो भागलपुर के जेल में बंद होना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा। एकदम अस्वस्थ रहिए, माफियाओं पे कार्रवाई होगी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का काम बिहार सरकार करेगी, लेकिन एक एक वोट आपका चाहिए। 26 तारीख को परसों जब मतदान हो, एक एक वोट तीन छाप के निशान पर दीजिए। जैसे ही आप तीन छाप के निशान पर देंगे वैसे ही नड्डा जी का सम्मान बढ़ जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान बढ़ जाएगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सम्मान बढ़ जाएगा, चिराग पासवान जी का सम्मान बढ़ जाएगा, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान बढ़ाना। इसलिए साथियों यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक एक वोट 26 तारीख को तीर चाप के निशान पर देकर भारत को विकसित और बिहार को भी विकसित की ओर ले जाना है। मैं आप लोगों के सामने माननीय प्रधानमंत्री का डाकिया बनकर आया हूं और 26 तारीख को एक नंबर बटन दबाकर आप संदेश दीजिए जो माननीय प्रधानमंत्री के पास मैं पहुंचा दूं, यही मेरा आग्रह और यही मेरा विनती है। इतना ही बात कहता हूं। और माननीय आप लोग जानते हैं कि आज भागलपुर लोकसभा का चौमुखी विकास हो रहा है। ये माननीय प्रधान भारत सरकार से इतना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जितनी सौगातें दी है भागलपुर लोकसभा को, वो आप लोगों के लिए और जो बचा हुआ सौगात है माननीय प्रधानमंत्री से लाकर मैं आपके बीच दूंगा, यही मेरा वादा है। यही मेरा वादा करते हुए मैं आपकी भाई ये इज्जत का सवाल है,
हमारी बदनामी होगी। ये दुष्प्रचार होता है कि पालन प्रचार नहीं करते। मैं खुले दिल से कहता हूं, मैं अगर उनके साथ हूं और उनका प्रचार कर रहा हूं, इसमें इज्जत का सवाल है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने, जिन्होंने बिहार को सजाने का काम किया है, जंगल राज की खात्मा की है, उनका सवाल है, इज्जत का सवाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है। इसलिए भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं आपको दगा करता हूं, ये सांसद महोदय से आपको दुख है, ये भोज खाने के लिए नहीं आ सकते, और लोकल काम तो मैं करता हूं। ये दोहरीकरण पुल कौन दिया? समानांतर पुल मैं मुख्यमंत्री से माना, इन्होंने पास करवा दिया। घोरघट से लेके मिर्जा चौकी तक मैं मांग किया, इन्होंने पास करवा दिया। काम तो क्या है, इसमें जो मत नहीं है, इसे बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, कम बोलने के लिए बोला है। इतना कहते हुए आप लोग से मेरा अपील है, आप लोग अजय मंडल के पक्ष में तीर छाप में वोट डालने का काम करेंगे। हम चुनाव प्रभारी के रूप में जहां भी गए, हमने पाया कि समाज के हर वर्गों का इन्हें समर्थन प्राप्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। इनके हाथों को मजबूत करना है ताकि आने वाला भविष्य और उज्जवल हो, देश विकसित हो, मजबूत हो और बिहार हमारा और प्रगति की राह पर आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे सड़क, बिजली, पानी, नौकरियां, रोजगार, जो सामाजिक सद्भाव कायम किया है, वो मिसाल है। महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में बुधवार को अभिनेत्री नेहा शर्मा ने जगदीशपुर, पुरैनी तथा खेरी बांध में रोड शो किया। रोड शो के दौरान अभिनेत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। इस रोड शो में अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अभिनेत्री करीब 12 बजे जगदीशपुर बाजार पहुंची और यहां से थार गाड़ी पर सवार होकर जगदीशपुर बाजार, अस्पताल चौक, भवानीपुर मोड़, पुरैनी, बलुआचक, बजाने, खिररी बांध होते हुए भागलपुर की ओर चली गई। इस अवसर पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार युवा, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, नाथन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अली असब सिद्दीकी, जगदीशपुर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष भारती भूषण झा, सुनील तिवारी सहित दर्जनों महागठबंधन के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया
तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु एवं भागलपुर में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कई दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने आम आवाम से साफ तौर पर कहा कि चुनाव के दिन मतदाताओं को और प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करना होगा। साथ ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान के तहत हुए कार्यक्रम से भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा जो 6 बजे शाम तक चलेगी, जिसमें लोगों को एक जगह जमा नहीं होने की बात कही गई। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं के लिए हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लोग इसका उपयोग करें। साथ ही कहा कि इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि 90% मतदान होगा, जिसको लेकर हम लोग काफी कड़ी मशक्कत किए हैं। उम्मीद है कड़ी सुरक्षा के बीच यह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होगा। वहीं मतदाताओं से चुनाव आयोग के तहत जो भी कागजात होते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो या फिर अन्य दस्तावेज लेकर वो जाते हैं, तो उन्हें मतदान में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसको लेकर कैमरे के साथ साथ अन्य पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेज से संबंधित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के अतिरिक्त RGI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड आदि होगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी के अलावा कई पदाधिकारी व चुनाव संबंधित भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज के प्रेस ब्रीफ में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि 26 अप्रैल 2024 को इस भागलपुर में लोकसभा का आम निर्वाचन होना है और उसके लिए पूरी तैयारी हम लोग की तरफ से कर ली गई है। उसके संबंध में आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को है और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान है और इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ बूथ पर मॉक पोल 5:30 में प्रारंभ हो जाएगा सुबह में चुनाव के दिन। और मैंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एवं विभिन्न कैंडिडेट से अनुरोध किया था कि अपने पोलिंग एजेंट को वो समय पे भेज दें ताकि हम 5:30 में मॉक पोल स्टार्ट करें और एग्जैक्टली 7 बजे हम मतदान शुरू कर दें। निश्चित रूप से अभी मतदान में गर्मी है और इसको लेकर के भी मैंने विभिन्न पदाधिकारियों से, कर्मियों से एवं आम जनता से मैंने अपील किया है कि इसमें खास करके वो अपना कपड़ा भिगा करके चेहरा भी पोंछते रहें और सर पे भी कपड़ा डालें और जो नमक चीनी पानी का घोल है वो ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं ताकि सभी लोग ठीक रहें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो। चलंत मतदान केंद्र के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुल 12 चलंत मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 152 बीहपुर में 4, 155 कहलगांव में 2 और 156 भागलपुर में 6 चलंत मतदान केंद्र हैं। सभी चलंत मतदान केंद्र पर हमने जो वाटर प्रूफ पंडाल है वो वहाँ पे रहेगा, जो बिजली की सुविधा है, जनरेटर है, पंखा है और शौचालय को हम लोगों ने टैग किया है और कुछ जगहों पर शौचालय बनाया भी है चलंत मतदान केंद्र पर, इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य हमारे मतदान केंद्र हैं वो 2232 मतदान केंद्र हैं पूरे इस भागलपुर ज़िले में। और अभी मतदान केंद्र भवनों की संख्या का हम लोग आकलन करें तो पूरे ज़िले में 1267 है और 26 भागलपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 1067 है। आदर्श मतदान केंद्र हम लोगों ने 7 बनाया है, PWD मतदान केंद्र भी 7 बनाया है, केवल महिला मतदान केंद्र भी 7 बनाया है और यूथ 1 बनाया है। आदर्श मतदान केंद्र, PWD और महिला मतदान केंद्र प्रत्येक विधानसभा में 1-1 बनाया गया है। खास करके जो महिला मतदान केंद्र होगा वहाँ पे हमारे सारे कर्मी महिलाएँ होंगी और वो पोलिंग प्रोसेस को कम्प्लीट कराएंगी। PWD मतदान केंद्र पर सारे कर्मी हमारे जो दिव्यांग हैं, PWD फिजिकली फिट PWD हैं वही कर्मी हमारे रहेंगे
और इसमें इस डिटेल्स में मैंने बूथ का भी नाम आपको ओपन किया है। हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी मतदाता की संख्या 20,675 है, जिसमें 11,134 लोकोमोटिव है, यानी जिन्हें चलने फिरने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, और 85+ मतदाता एवं पीडब्ल्यूडी मतदाता के लिए जो कुल मतदान केंद्र चिन्हित है 223 है, उन 223 मतदान केंद्रों पर हम लोग व्हील चेयर का अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि हमारे मतदाताओं को कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी विधानसभा क्षेत्र के जो ईआरओ हैं उनका नंबर भी हम लोग जारी कर रहे हैं, साथ ही सभी जगहों पे जो कंट्रोल रूम है सभी जगहों के लिए कंट्रोल रूम है, हमारा कंट्रोल रूम यही संचालित होगा। 152 बीहपुर के लिए है 0641 2422 031, गोपालपुर के लिए लास्ट में वही 032 है, पीरपैंती के लिए लास्ट में 033 है, कहलगांव के लिए 035 है, और भागलपुर के लिए 036 है, सुल्तानगंज के लिए 037 है, और नाथनगर के लिए 039 है। ये नियंत्रण कक्ष का नंबर है। जो मतदाता मतदान करेंगे कई वैकल्पिक दस्तावेज कई की सूची दी गई है, जिसमें आधार कार्ड है, अपना पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका ईपिक कार्ड है, मनरेगा का जॉब कार्ड होगा, लेकिन जॉब कार्ड पे सील भी लगा होना चाहिए और हस्ताक्षर होना चाहिए, फोटो भी हमारा अटेस्टेड होना चाहिए। बैंक पब्लिक डाकघर का द्वारा दिए गए फोटोयुक्त पासबुक है, वो फोटो अटेस्टेड होना चाहिए। इसी प्रकार से एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा दिए गए स्मार्ट कार्ड है, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज है, एवं अन्य भी कई कार्ड है जिसके माध्यम से हमारे वोटर्स वोट कर सकें। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने करीब 185 आर्म्स को हम लोगों ने जमा भी कराया है, 138 को रद्द भी किया है, 3 को हम लोगों ने जब्त भी किया है। बॉन्ड डाउन 14,000 से अधिक लोगों को बॉन्ड डाउन कराया गया है, और 1860 ऐसे लोग हैं जो उत्पात मचा सकते हैं अतिरिक्त में चिन्हित किए गए थे, और कई लोगों को 110 की भी उस पर कार्रवाई की गई है। काफ़ी संख्या में 139 से अधिक संख्या में लोगों पर CCA भी लगाया गया है, CCA का ऑर्डर पास्ट है, लोग अटेंड हाजिरी लगा रहे हैं थानों में, और हम लोगों ने इंटर स्टेट जो नाका है 27 लगाया है और इंट्रा स्टेट नाका 9 लगाया है। व्हील चेयर के बारे में मैं आपको बता रहा था अभी कि कुल 223 उच्च विद्यालय में एक एक हम लोग रखेंगे, और प्रखंड कार्यालय में हम लोग 10-10 व्हील चेयर अतिरिक्त रख रहे हैं ताकि कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मूव करा सकें। सी विजिल के संबंध में आपको पहले ब्रीफ किया गया था, और आपको मतदाता के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि भागलपुर जिला में कुल मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 23,30,678 है, जिसमें पुरुष मतदाता 12,07,575, महिला मतदाता 11,22,971 एवं अन्य मतदाता 132 है, और हमारे यहाँ मतदान केंद्र भवनों की संख्या 1,267 है, मूल मतदान केंद्र हमारा 1,234 है, और हमारा जो एडिशनल है वो 10 है, यानी 1,244 है। कुल पुरुष मतदाता और महिला मतदाता मैंने डिटेल्स में आप लोगों को ब्रीफ किया है, और लिंगानुपात हमारा 930 है, जो पूर्व में 888 था। मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ कि समस्त मतदाताओं को अपने माध्यम से एक जरूर संदेश दें कि बूथ पे सारी सुविधा है, जैसे कि शेड की सुविधा है, हम लोग करीब 600 के अप्रॉक्स जो बूथ हैं, कहीं पर दो बूथ एक भवन में है, कहीं पे तीन बूथ एक भवन में है, वहाँ पे हम लोग शेड की व्यवस्था कर रहे हैं, और जहाँ बड़े बिल्डिंग है वहाँ जहाँ शेड की आवश्यकता नहीं हो तो वहाँ के अतिरिक्त हम लोग शेड की व्यवस्था कर रहे हैं। अन्य जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, हम लोग गर्मी है तो बिजली की भी व्यवस्था रहेगी, बिजली हम लोग इंश्योर करें कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, पंखा की व्यवस्था हो, और सबसे खास कि लोगों को बैठने की व्यवस्था भी इस बार हम लोग करा रहे हैं कि बेंच लगवा दे रहे हैं ताकि लोग बैठ जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। वोटिंग में 3 लाइन लग सकता है, एक तो पुरुष और एक महिला की लाइन होती है, खास करके दिव्यांग जन जाते हैं उनको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, उनकी लाइन भी लगा करके उनको पहले वोट कराते हैं, और हमारे मीडिया बंधु भी हमारे बूथ पे जाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने पास जारी किया है,
करीब 158 पास हम लोगों ने जारी किया है और बिल्कुल जाएं और हमें विभिन्न जगहों से हमें आप फीडबैक दें ताकि हम लोगों के लिए और बेहतरीन व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को जागरूक करें ताकि इस भागलपुर में जो हमारे मतदान का प्रतिशत है कम से कम 90% मतदान हो और लोगों को जस्ट झकझोरने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी चीज़ों को याद दिलाने की ज़रूरत है। ये उनका अधिकार है और इस अधिकार को वो अपने कर्तव्य के रूप में निभाएं कि यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है तो हम मतदान करके रहेंगे होगा। और सारी सुरक्षात्मक व्यवस्था सभी जगहों पर कर ली गई है, कई लेयर्स में मजिस्ट्रेट और फोर्स लगाए गए हैं, जैसे बूथ पे जो हमारे फोर्स हैं उसके अतिरिक्त हमारा जोनल दंडाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, सुपर जोनल दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी है, एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी है, इसके अतिरिक्त क्यूआरटी की हमारी फोर्स है, एसडी एसडीपीओ का रिजर्व है, डीएमएसपी का रिजर्व है, तो फोर्स चप्पे चप्पे पे रहेगा और हम लोग अपने फोर्स को और अपने पदाधिकारी के गाड़ियों को गाँव में भी भेजेंगे ताकि गांव में कोई कहीं भी व्यक्ति किसी को रोक नहीं सके और हर व्यक्ति निर्भीक होकर के निष्पक्ष होकर के मतदान कर सके। आपके माध्यम से एक चीज़ मैं ज़रूर अनुरोध करूंगा कि चूंकि धारा 144 लगी हुई है और मतदान करना है तो कोई भी हमारे वोटर हैं वो बूथ पे आएं, वोट डालें, उसके बाद कहीं बाहर में मजमा लगाने की आवश्यकता नहीं, वो सीधा अपने घर जाएं। हमारा उस बूथ पर मतदान समाप्त हो जाएगा, फिर वो स्वतंत्र हैं कि अपना कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, लेकिन दिन के समय में कहीं पे जाने पे एक व्यक्ति को दूसरे के घर पे जाने पे एक आरोप प्रत्यारोप होता है, जो व्यक्ति उसको डराने आया था या धमकाने आया था या किसी प्रकार की बात कर रहा था, फिर हमें टीम को रश कराना पड़ता है उस कंप्लेन को दूर करने के लिए। तो आम आदमी को असुविधा नहीं हो, आम व्यक्ति को असुविधा नहीं हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम से पुनः आम वोटर से अनुरोध करूंगा कि वोट दे करके वो अपने घर पे बैठें और वोट को ये महापर्व के रूप में सेलिब्रेट करें। थैंक यू। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान बिहार के 5 जिलों में है। आज शाम से दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। भागलपुर लोकसभा से महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए लगातार बड़े नेताओं ने जनसभा की। इसी बाबत आज नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। दो धाराएं हैं, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। 17 साल बिहार में एनडीए का राज और 10 साल से भारत में एनडीए का राज है और भागलपुर के सांसद भी एनडीए के हैं। सब कुछ एनडीए का है, लेकिन अभी भी गरीबी नहीं हटी, अभी भी बेरोजगारी नहीं हटी, अभी भी महंगाई कम नहीं हुई। आज हम सब मुद्दे की बात करने आए हैं, लेकिन मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भाई और बहनों, मोदी आएगा तो साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, लेकिन 2019 का चुनाव शुरू हुआ था, 2014 वाला सब भूल गए मोदी जी, कुछ याद नहीं रहा। 2019 में जनता को गुमराह करने के लिए फिर झूठ बोला, 2014 वाला पूरा हुआ ना 2019 वाला पूरा हुआ, अब बोलने के लिए मोदी जी के पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इस बार हम सब लोग अजीत शर्मा जी को हाथ के निशान पर पट्टा दबा करके जिताना है। राहुल जी, लालू जी, हम सब लोगों का सरकार बनेगा भारत में तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। 500 रुपया सिलेंडर गैस का कर देंगे जो 1400 रुपया है, 200 यूनिट फ्री में बिजली दे देंगे। ये सारा काम अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। लड़का सबके बहाली होगा तो लंबा समय तक भारत माँ का सेवा और रक्षा करेगा। 4 साल में ट्रेनिंग में खत्म करके बाहर कर देगा। ना पेंशन मिलेगा, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन का सुविधा मिलेगा। हम लोग आएंगे तो अग्निवीर को खत्म करेंगे और जितना अर्धसैनिक बल है, CRPF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया, उन सबको शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे।
लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर कवायद जारी है। इसी क्रम में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लोक गायिका मैथिली ठाकुर सैंडिस कंपाउंड पहुंची। मैथिली ने लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र जाकर वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार मैं भी पहली बार मतदान करूंगी, मैं काफी खुश हूं। मैथिली ने लोकतंत्र के 6 पहचान मतदाता और मतदान गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके बाद कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आदि गीतों की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं किलकारी के बच्चों ने वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करते हुए शास्त्रीय नृत्य कथक पर आधारित कृष्ण वंदना और आओ करे मतदान के गीतों पर प्रस्तुति दी। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसोर चौधरी, SSP आनंद कुमार, DDC कुमार अनुराग, जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र गुप्ता के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस प्रदेश का नाम पूरे राष्ट्रीय पटल को रोशन करने वाले कलाकार मैथिली ठाकुर जी, तमाम पदाधिकारीगण और भागलपुर की प्रबुद्ध जनता, 3 दिन बाद लोकसभा के आम चुनाव के तहत भागलपुर में वोटिंग होनी है और वोटिंग प्रतिशत पर विशेष जोर है। बाकी जितनी भी तैयारियां हैं, वोटिंग अच्छे से हो, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को भयभीत ना करे, हमारे जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं और सुरक्षा बल हैं अच्छे से मतदान केंद्र तक जाएं, मतदान कराएं और वापस आएं। इसकी पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पिछले 3 माह से लगातार किया जा रहा है।